Welcome to my channel. Today I am making Sabudana Tikki Ramzan Special. Main ingredient hum boiled potato chahiye. Ye 4 boiled potato humne le liya. Ab isko hum mash kar lenge. Ye dekhiye humne isko acche se mash kar liya hai potato ko. Ab isme hum साबूदाना ऐड करेंगे. ये 4 आवर के लिए हमने इसको भिगा के रख दिया था पानी में, और इसको ड्रेन करने के बाद अब हम इस ये एक बाउल साबूदाना इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, दैट्स ज़ीरा डालेंगे. वन टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर ऐड करेंगे. अदरक 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली ऐड करेंगे. हम यहाँ 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं. 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लीफ ऐड करेंगे. 2 टेबल स्पून लेमन ऐड करेंगे, लेमन जूस. 1 टेबल स्पून देखिए हमने सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और अब इसकी हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे. ये देखिए ये साइज टिक्की का ऐसे होगा, और ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की टिक्की सारी बन जाएगी. सारे पोटैटो की हम टिक्की बना लेंगे, और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे. सारी टिक्की को हमने बना के इस तरह से रख लिया है, और अब हम उसी साबूदाना जो हमने डाला था आलू में, उसी में से थोड़ा सा 2 टेबल स्पून साबूदाना निकाल के रख लिया है, और इसको हम अब ऊपर से इस तरह से लगाते हुए टिक्की पे उसको दबाएंगे ऐसे. और इसको एक दूसरे प्लेट पे रखते हुए चले जाएंगे, और इसी तरह से हम सारी टिक्की को अपने बना के तैयार कर लेंगे, और उसके बाद फ्राई करेंगे. ये देखिए हमने पैन में तेल गरम कर लिया है इसको डीप फ्राई करने के लिए, और इसमें अब टिक्की को डालेंगे 1 बाई 1 करके. पैन में जितनी आसानी से आ जाए उतनी ही हमें फ्राई करनी है, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है पैन को. एक तरफ हो जाने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे, और दूसरी तरफ पलट कर इस तरफ भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और दोनों तरफ हमें अच्छे से इसको गोल्डन फ्राई करते हुए निकाल लेना है. ये देखिए हमने इसको पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लिया है, और ये बहुत अच्छा खूबसूरत गोल्डन फ्राई हुआ है. अब इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग डिश में. ये देखिए हमने इसको गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया है सर्विंग डिश में. ये खाने में बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है. आप ज़रूर से ज़रूर इफ्तार के टाइम में इसको ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.